पुनः स्वागत है आप सभी का DNTV न्यूज वेब। मैं पाठक जी विष्णु अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ अभी गढ़हनी प्रखंड के मोहम्मद रफी रिजवी, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति होने के साथ साथ व्यक्ति विशेष भी हैं, और इनकी चर्चा जितनी करे उतनी ही कम है, क्योंकि सबसे पहले तो इस तरह की पार्टी जब भी ऑर्गेनाइज करते हैं इनका दिन दिन नहीं रहता है, रात रात नहीं रहता है। अभी आप देख सकते हैं शायद 7 बजने वाला है, और 7 अभी पीछे जो भी गार्जियन लोग हैं आप देख सकते हैं किसी तरह किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग इनकी बातों को सुनने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले रफी रिजवी जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद पाठक जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हमारे इस अफ्तार दावती अफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि बचपन से मैंने राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाया हूँ, और 20 साल से हम राष्ट्रीय जनता दल का झंडा उठाते हुए जब हम वार्डसद से जीते थे, हमारे आदरणीय लालदास राय चाचा जी MLC हुआ करते थे, हम बोले थे कि चाचा जी हमको एक मदरसा का बनाने का आपके तरफ से मिलना चाहिए। उन्होंने ये मदरसा जो आप देख रहे हैं ना, हमारे MLC आदरणीय लालदास राय चाचा की देन है। ये हमारे MLC ये विधान पार्षद जो अभी अनिल सम्राट जी और राधा चरण सेठ जी का जो चुनाव हुआ है, वही उसी सीट पर वो पहले हुआ करते थे। इसके बाद कारवां आगे बढ़ता गया राष्ट्रीय जनता दल का, हालांकि ये कोई पार्टी विशेष की नहीं, इसमें हमारे BJP के भी हमारे दोस्त हैं, JDU के भी दोस्त हैं, जो हमारे मित्र प्रखंड के। अगर हम लोग इस मदरसे की चर्चा करें तो क्या इस मदरसे में सभी पार्टियों और सभी भाइयों का सपोर्ट रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल हर लोगों का सहयोग रहता है। अभी हम लोग अभी हमारे बीच खड़ी हैं हमारी कविता यादव, हमारी बड़ी बहन, और हमारे मुकेश भैया और आशा जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों का तो सपोर्ट रहता ही रहता है। जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनका व्यक्तित्व क्या है, उनके गार्जियन का? हमारा मदरसे का मोटो यही है कि यहाँ पर अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं, और जो गरीब है जो पढ़ा नहीं सकते हैं, अभी 60 बच्चों का दाखिला हो गया है, और इसमें 7 टीचर होते हैं, यानी कि तीनों टाइम उन लोगों का खाना का इंतजाम है, और कपड़ा लाता सारा इंतजाम हमारी ये पूरी प्रखंड की जो जनता है वो सपोर्ट करके इसको हम ऑर्गेनाइज। मैं इसका क्या लगता है, आप इस सेक्रेटरी हैं इस संस्था के, और ये संस्था कैसे डोनेट कर पाती है, इतना कुछ कैसे कर लेती है? एक एक रुपया देकर हमारे समाज के लोग, और हमारे कुछ जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब जिसे हिंदुस्तान को कहते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत से हिंदू भाई भी हैं, बच्चों को डोनेट करते हैं किसी किसी ना कारण से, कोई बिछावन दे दिए तो कोई खिड़की लगा दिए, कोई पंखा लगा दिए, तरह तरह की बातें हैं। और ख़ासकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लालू यादव के सिपाही हैं, और लालू यादव ने सिखाया है कि अब तो हम आपको पता है कि हमारी पार्टी, पहले लोग कहते थे कि MY समीकरण का है मुस्लिम यादव का, लेकिन अब ये पार्टी हमारी A to Z है, हमारे पार्टी में हर वर्ग के लोग की बराबर है। और आपको बता दें कि भाकपा माले के भी हमारे महागठबंधन के जो अंग हैं, हमारे आरा विधानसभा के नमाज में हमारे क्यामुद्दीन भैया जो पूर्व प्रत्याशी आरा विधानसभा को भी हैं, और भाकपा माले के लीडर आए हुए हैं। एक और पर्सनल सवाल सर, वहाँ पर भी हमने देखा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक मौजूद हैं। क्षेत्रीय विधायक बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास जब नहीं दावत तो देखिए दावत दे देते दे, हम लोग थक गए हैं, लेकिन नहीं आते तो हम लोग भी अपना दिल चुपचाप शांत कर लिए हैं। इसकी बार बार दावत देने के बाद आते ही नहीं है तो पूछने की क्या भाई। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं इनके शब्दों को आपने सुना होगा और अच्छी तरह गौर भी फरमाया होगा। 60 बच्चे दाखिल हो चुके हैं, और भी बच्चों को दाखिल करने के लिए कैपेसिटी मौजूद है, क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह ताला की रहम है और बड़े भाई लोगों का आशीर्वाद है। तो इसी तरह बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हम लोग पल पल की खबर से रखेंगे बेखबर। और हमारे युवा अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो प्रखंड राजद के गढ़नी के नाम, गढ़नी प्रखंड के युवा राजद और रंजन प्रताप सिंह से बात करेंगे, और जानेंगे कि उनके यहाँ आने का मोटो क्या रहा, और भी बहुत कुछ जानेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर आपका भी स्वागत है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए कार्यक्रम भाईचारा का कार्यक्रम है, 4 पार्टी है, रमजान महीना है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई हर साल रमजान महीना मनाते हैं। इसमें भाईचारा भाई प्रतीक होता है कि हम लोग सब, ना कोई हिंदू है ना, सब लोग अलग अलग धर्म से भले अलग हैं, लेकिन हम लोग एक इंसान है, इंसान की तरह एकता बना के हम लोग रहें। देखिए रफ़ी भाई जान की जब भी बात आती है तो गढ़नी प्रखंड का सीना चौड़ा हो जाता है,
क्योंकि इनके जैसा मेहनती शायद ही कोई प्रखंड में होगा। इनको अगर कोई भी काम दे दिया जाए तो वो बिना मतलब के बोलिए चाहे निस्वार्थ भाव से बोलिए करते हैं। इस पर क्या राय सर? देखिए मोहम्मद रफी रिजवी हम लोग के गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, क्रांतिकारी आदमी हैं, साथी हैं और जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही भी हैं। जो भी काम करते हैं तन मन एकदम हौसला से काम करते हैं, किसी के साथ गद्दारी और खराब नीयत के साथ नहीं रहते हैं, नहीं रहते। तो अभी हमारे साथ रंजन जी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा और हमने जाना जिला सचिव हमारे जिला सब इसको सेव कर लीजिए नेक्स्ट कर।